बहुत लेट हो गया, इन्हें तो सुबह जल्दी ऑफिस जाना था। बिना ब्रेकफास्ट करके ही चले गए। आज तो पूरे एक मिनट पहले रेडी हो गए आप। मैं तो रेडी हो गई, पर मेरा लंच रेडी हुआ? हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। ये लो आपकी वाटर बॉटल और ये रहा आपका लंच। नॉट अगेन मामा, आई डोंट वांट एनी मनी। बेटा कैंटीन से पिज्जा बर्गर कुछ भी लेके खा लेना ना। चल मेरे प्यारा बेटा। हेलो डार्लिंग, आज आप मुझे बिना उठाए ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, अब बाहर से कुछ लेके खा लेना। बाय। अगर आपको भी मेरे मॉम वाली वीडियोस पसंद आते हो तो जल्दी से वीडियो को 3 लाख लाइक करो और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो। और चलो वीडियो एंजॉय करते हैं। अम्मा हो गई हमारी बूस्टर प्रेस। हाँ हो गई प्रेस, लो। ये लो बेटा पनीर के पराठे, कल दूध फटा था ना उसी से हम पनीर बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? दीदी हम भी निकल रहे हैं अब। अरे रुको रुको, आज ऑफिस का पहला दिन है ना, तुम मुंह मीठा करके जाओ। ये लो मलाई कोफ्ता, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है पनीर का। अपने भाई को सब कुछ खिला देगी, मेरे लिए कुछ नहीं बनाएगी। ये लो अपने जीजा जी को जाते जाते दुकान पे टिफिन देते जाना। ये लीजिए माँ जी, आप ठीक है? हाँ जीती रहो, चलो बाय बाय। पहले गुड मॉर्निंग मैसेज हमारा ही गया होगा पूरी किट्टी में और पूरे लोगों को मजा आ गया। 12 बज गए और ये मेड तो आई नहीं अभी तक। अरे अब खाना कौन बनाएगा, काम कौन करेगा, सारा काम पड़ा है। इतने बर्तन, अब तो खाना भी नहीं पका सकती। खाना बनाऊंगी तो बर्तन धोने पड़ेंगे। एक काम करती हूँ ना, मिसेस शर्मा के घर चली जाती हूँ लंच पर। ओ हाय मिसेस शर्मा, वो मैं क्या सोच रही थी कि बड़े दिन हो गए हम लोगों को साथ में हैंग आउट किए हुए ना, कुछ अच्छा सा बनाओ ना तुम आज। वो मेड तो आई होगी ना तुम्हारी, वो तो बाय गॉड क्या सॉफ्ट कोफ्ते बनाती है, मेरे कोफ्ते तो बहुत ही ज्यादा हार्ड बनते हैं। एक्चुअली तुमने मेरे मैनेजर को कॉल किया था? करती ना तो पता चल जाता था। आई एम बिजी एंड आई एम गोइंग समवेयर आउट। ऑलराइट प्लीज स्टेप असाइड, थैंक यू। ऑलराइट बाय। या ओके, अब तो पिज्जा ही ऑर्डर करना पड़ेगा, फालतू के पैसे जाएंगे। सुरती बच्चों के आने से पहले फटाफट काम करके फ्री हो जाते हैं, फिर आराम से बैठ के नाटक देखेंगे। अब तो आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। हाय
कद तेरे की, ये बत्ती को भी अभी जाना था। ए बीना, बत्ती गई है ना तेरी भी? हाँ जी जीजी। जीजी मैं बोल रही थी, यहीं पर आ जाओ, बत्ती आ लेंगे थोड़ा, जब तक बच्चे नहीं आते। हाँ अब ही आते हैं, रुको। ओहो मैच स्टार्ट होने वाला है, स्नैक्स ऑर्डर कर देती हूँ। चल सबको मैसेज भी कर देती हूँ। गाइस बी रेडी, स्नैक्स ऑर्डर हो गए हैं और मैच स्टार्ट होने वाला है। जी जी, क्या सारा दिन आप किचन में लगे रहते हो, चलो अंदर। अरे तू चल चल, सब मिलके क्रिकेट मैच देखेंगे ना, उसी के लिए स्नैक्स तैयार कर रही हूँ। अच्छा चलो मैं जीजा जी और लाडो को बोल देता हूँ। हाँ मैं भी बीना और उसके बच्चों को बुला के लाती हूँ। बीना, ए बीना। हाँ जी जी। बच्चों को लेके जल्दी आ जाओ, वो क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है। हाँ जी जी आ रहे हैं अभी, बच्चों को नहला दे जरा, आ रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। दोपहर में तो पिज्जा खा लिया था, पर अब तो डिनर बनाना ही पड़ेगा। देखो तो क्या है। ओहो ये तो 10 दिन पुराना बैंगन लगता है, इसे गाय को दे देती हूँ। ये गाय तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, अब इस बैंगन का क्या करूं, फेंक देती हूँ। चार दिन पुरानी लगती है, इसी को बना लेती हूँ। वानी क्या कर रही है? वानी चलो फोन छोड़ो, बाहर खेलने जाओ बेटा। नहीं। फोन आ गया तो आप टैब पे लग गए हो। चलो हटाओ उस टैब को, हटाओ साइड रखो। अरे टैब हटाया तो टीवी में लग गई हूँ। जाओ बाहर जाके खेलो, जाके ग्राउंड पे खेलो ना बेटा। मामा हम सब बच्चे अब फोन पे गेम्स खेलते हैं और वहीं पे चैटिंग कर लेते हैं, अब ग्राउंड में कौन होगा? ये तो सही कह रही हो, ग्राउंड पे तो कोई होगा नहीं। अहिला फिर ये कौन आया? मुझे क्या पता। अभी जाके आती हूँ, जरा बाजार जाना सब्जी लाने। अभी कल ही तो लाई थी सब्जी तुम। अरे क्या बताएं, ये फ्रिज में भी आ गया है, लेकिन इनको तो ताजी सब्जी में ही स्वाद आता है, एकदम खेत से टूटी हुई सब्जी होने चाहिए। ये तो तुम सही कह रही हो, सब्जी तो ताजी का ही स्वाद आता है। जाओ ले आओ, जाओ जाओ। और सुनो आलू ले आना, कम से कम 2-3 दिन चल जाते हैं। ठीक है मौसी, जाओ बेटा। रसोई में तो रात की रोटियां पड़ी थी, एक काम करती हूँ गौ माता के लिए ले जाती हूँ। ठीक है माँ जी, जाओ बस जाके आती हूँ। ये तो हमारी मौड़ी है। ए बिटिया ये क्या कर रही? अरे अम्मा खेल रहे हैं। हैं? तुम घर चलो, तुम्हारे पिताजी को बताएं हम। अरे अम्मा खेलन दो ना थोड़ी देर, अभी दिन में ही तो आए थे। तुम घर चलो, पूरे कपड़ों का सत्यानाश पीट लिया, ऐसे कोई होता है? चलो। माँ तो माँ होती है और माँ हम सब की प्यारी होती है, तो
तो जल्दी से वीडियो को ढेर सारे लाइक्स करो और वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा मैसेज अपनी मम्मी के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।